today we are going to learn a new letter, that is letter I. Children, what is for I? I is for yes, yummy ice cream. I is for igloo. I is for insect. Children, let's learn some more pictures related to letter I. The letter I. I is for igloo. I is for ice cream. Ice cream. I is for instruments. I is for I. Now it's time for slate. Children, tell me which letter is this? Yes, this is capital letter I. And today we will be drawing I for ice cube. तो आपको जानना है आइस क्यूब कैसे ड्रॉ करते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट वी हैव टू मेक बिग स्लीपिंग लाइन. देन फ्रॉम हियर वी हैव टू मेक वन स्टैंडिंग लाइन. अगेन फ्रॉम हियर वील मेक वन स्टैंडिंग लाइन. एंड देन वी हैव टू जॉइन दिस स्टैंडिंग लाइन विद द स्लीपिंग लाइन. ओके चिल्ड्रेन, नाउ फ्रॉम डाउन थोड़े ऊपर से हमें ऐसे एक कर्व करना है. देन अगेन विल मेक अनदर कर्व. देन अगेन मेक अनदर कर्व. और फिर उसे अगेन कर्व करके जॉइन कर देना है. नाउ दिस इज आई फॉर आइस क्यूब. चिल्ड्रेन, आइस क्यूब यानी बर्फ का टुकड़ा. चिल्ड्रन, दिस इज योर लेवल 1, माय फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश. एंड इन योर इंग्लिश बुक यू हैव टू ओपन पेज नंबर 2020. हियर लेटर आई इज गिवन. बट बिफोर लेटर आई हमने पहले कौन सा लेटर लर्न किया था? दैट वाज लेटर एच. यस, तो अब हम देखेंगे व्हाट कम्स आफ्टर एच, लेटर I. So let's see. I is for ice cream. Eat it for sweet dream. Now let's see pictures related to letter I. I for igloo. ये क्या है? Igloo. Igloo means जो बर्फ का घर होता है. Yes, it is a house made up of snow. I for igloo. I for injection. Yes. आप जब बीमार हो जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन देते हैं ना. यस, आई फॉर इंजेक्शन. आई फॉर आइसक्रीम. यस, यम्मी यम्मी आइसक्रीम आप सबको पसंद है ना. डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में आइसक्रीम होते हैं. यस, आई फॉर आइसक्रीम. आई फॉर इंसेक्ट्स. ये क्या है? ये सारे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास बटरफ्लाई होते हैं, मच्छर होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, वो सारे इंसेक्ट्स कहलाते हैं. और ऑल द इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. ओके, सो आई फॉर इंसेक्ट्स. आई फॉर इंक पॉट. ये क्या है? इंक पॉट. इंक पॉट जिसके अंदर ब्लू कलर की इंक होती है. यस, जिसे हम पेन में फिल करते हैं और पेन से लिख सकते हैं. ओके, सो आई फॉर इंक पॉट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर. क्वेश्चन 1, हु लिव्स इन एन इग्लू. यस मैम ने आपको जो आई फॉर इग्लू बताया, आपको पता है इग्लू के अंदर कौन रहता है?
जो लोग इग्लू के अंदर रहते हैं बर्फ में, उनको एस्किमोस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्किमोस। सो आवर आंसर विल बी एस्किमो। क्वेश्चन टू, व्हाट डू यू लाइक टू ईट इन समर? गर्मी में, बहुत गर्मी होती है तो ठंडा ठंडा क्या खाते हैं हम? आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एक्टिविटी ऑन द नेक्स्ट पेज। ड्रॉ वन रिलेटेड पिक्चर फॉर आई। आई से हमें एक पिक्चर ड्रॉ करना है एंड वी विल ड्रॉ आइस क्यूब। ठंडा ठंडा एक आइस क्यूब ड्रॉ करेंगे एंड फॉर दैट वी विल टेक स्काई ब्लू कलर। एंड आइस क्यूब बनाने के लिए हम सबसे पहले वी विल मेक स्लीपिंग लाइन। हम एक स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर बनाने के लिए हम स्लीपिंग लाइन करेंगे, स्टैंडिंग लाइन करेंगे, वी विल ड्रॉ वन मोर स्टैंडिंग लाइन एंड देन वी विल ड्रॉ स्लीपिंग लाइन। ये हमारा स्क्वायर आइस क्यूब बन गया है। और नीचे हम क्या करेंगे? वी विल मेक वन कर्व, वी विल मेक वन अनदर कर्व एंड देन वी विल जॉइन विद दिस लाइन। दिस इज आइस क्यूब, आई फॉर आइस क्यूब। नाउ एनसर्कल द लेटर आई ओनली। इन दिस इंक पॉट देयर आर मेनी लेटर्स रिटन हियर। यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स दिए हैं पर हमें सिर्फ लेटर आई को सर्कल करना है। सो लेट्स फाइंड आउट लेटर आई कहाँ कहाँ पर है। चलो हम सबसे पहले देखेंगे लेटर आई कहाँ पर है। हियर इज लेटर आई, सो वी विल सर्कल लेटर आई। और कहाँ पर लेटर आई है? हियर इट इज लेटर आई, सो अगेन वी विल सर्कल लेटर आई। और कौन सी जगह पर लेटर आई है? हियर, हियर इज ऑल्सो लेटर आई गिवन, सो वी विल सर्कल लेटर आई। Understood kids? So like this way you have to complete the exercise. Now children, it's activity time. Children, इस activity के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे blue water color और Q-tip. फिर इस Q-tip को हम इस blue water color में dip करेंगे और उसके बाद हम अपनी activity को start करेंगे. इस तरह से बच्चों हमको Q-tip को dip करके इस एक्टिविटी को करना है। ओके, हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ओके, नाउ चिल्ड्रन टेल मी ये कौन सा लेटर बना? यस, कैपिटल लेटर आई। सो चिल्ड्रन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम विद योर पेरेंट्स। ओके, वेरी गुड। I is for itchy insect landing on me. I is for iguana and ice cream yummy. Children, do practice of the song. Okay, bye and see you in the next video.